अखिलेश के दांव से ओपी राजभर की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। टेंशन में आ गए राजभर, अखिलेश ने ये क्या कर दिया मेरे साथ। अखिलेश यादव ने तो ओम प्रकाश राजभर के साथ खेल कर दिया। यूपी में राजभर की राजनीतिक जमीन ही हथिया लेगी सपा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद से ओपी राजभर की आंखों की नींद गायब हो गई है। वो मौके की तलाश में जुट गए हैं कि कब अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाए और उनसे अपना दुखड़ा सुना दें। लेकिन मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव ने तो ओपी राजभर के लिए सपा में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अब कहां वो राजभर के झांसे में आने वाले हैं। आपको बता दें कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की तैनाती कर दी है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री और विधायक राम अचल राजभर का है, जिन्हें गाजीपुर, घोसी, बलिया और अम्बेडकर नगर संसदीय सीटों का प्रभारी बनाया गया है। अखिलेश के इस कदम से ओपी राजभर की राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। राम अचल राजभर के प्रभारी बनने से इन क्षेत्रों में राजभर वोटों में सेंधमारी होगी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ओपी राजभर को ही होगा, तो सबसे बड़ा फायदा अखिलेश यादव को होगा। रामचल राजभर को इन सीटों का प्रभार सौंप कर अखिलेश यादव ने कैसे ओपी राजभर को तगड़ा झटका दे दिया, इसे समझने के लिए इन सीटों के जातीय समीकरण को समझते हैं। राजभर समाज से आने वाले एक बड़े नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में राजभर समाज की हिस्सेदारी 4% है। जिलों के हिसाब से देखेंगे तो राजभर कुछ जगह 20% तो अन्य जगह 10% है। 20% राजभर समाज वाले जिले वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में 10% राजभर समाज रहता है। कभी बसपा सुप्रीमो मायावती के खास करीबियों में से एक रहे रामचंद्र राजभर के क्षेत्र में सक्रिय होने से राजभर वोटों का बंटवारा होगा। अखिलेश पहले से ही जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। वैसे में इन क्षेत्रों में अखिलेश के गठबंधन को राजभर समाज का साथ मिलते ही खेल बदल जाएगा और चुनावी परिणाम सपा की ओर मुड़ जाएंगे। यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर भारी टेंशन में है। एक तो पहले से ही किसी पार्टी के साथ गठबंधन न कर पाने के कारण वे परेशान थे, अब अखिलेश के इस दाव से राजभर की नींद भी गायब हो गई है। रामचल राजभर ने बताया कि पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर राजभर वोटों का खासा प्रभाव है। खास तौर पर जिन 4 जिलों का प्रभाव नहीं मिला है, अम्बेडकर नगर और गाजीपुर की सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन से राजभर वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। ऐसे में उन्हें 5 जून तक इन सभी 4 लोकसभा सीटों के बूथ लेवल तक की रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को देने के लिए कहा गया है। इन सीटों का प्रभार मिलते ही रामचल राजभर एक्टिव मोड में आ गए हैं। ओपी राजभर पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, ओपी राजभर की खुद की कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है। उनके अगर राजनीतिक ग्राफ को देखा जाए तो वह किसी दूसरे दल के साथ मिलकर ही चुनाव में कुछ सीटें हासिल कर पाते हैं। पहली बार वह बीजेपी के साथ थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। ऐसे में इन सीटों पर रामचंद्र राजभर समाजवादी पार्टी से रामझुवर मतदाताओं को जोड़कर पार्टी को बड़ा फायदा दिला सकते हैं। रामचंद्र राजभर का राजभर समाज में खासा प्रभाव है और वे मायावती के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। अखिलेश ने यही देखते हुए पूर्वांचल के इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर पूर्वांचल में रामचंद्र राजभर का जादू चल गया तो फिर ओम प्रकाश की लुटिया डूबनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।